YouTube फर्स्ट पेमेंट कब भेजता है? काफी क्रिएटर्स के मन में ये सवाल आता है जैसे ही उनका चैनल दोस्तों मोनेटाइज होता है। अब दोस्तों चैनल जैसे ही उनका मोनेटाइज होता है उसके बाद क्या क्राइट एरिया है और कैसे YouTube पेमेंट आपके खाते तक भेजेगा, उसका फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि YouTube कब पहला पेमेंट भेजता है। तो गाइस यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए कुछ क्राइट एरिया होता है, जैसे कि सबसे शुरू में तो आपके चैनल को मोनेटाइज होने के लिए दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच वॉच टाइम आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों टू स्टेप वेरिफिकेशन और यहाँ पर आपके चैनल पर उस बीच कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक या दोस्तों कम्युनिटी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद आपका चैनल अंडर रिव्यू में चला जाता है और दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि जैसे आपका चैनल मोनेटाइज हुआ था तो यूट्यूब आपका फर्स्ट पेमेंट कब भेजता है? तो दोस्तों YouTube पर फर्स्ट पेमेंट भेजने के लिए भी कुछ क्राइट एरिया होते हैं, जैसे कि दोस्तों आपके चैनल पर व्यूज जैसे ही अच्छे आ रहे हैं और आपका डॉलर बन रहा है, पहले तो सबसे पहले दोस्तों $10 बनने के बाद जैसे आपके $10 दोस्तों हो जाते हैं तो YouTube वहां पर आपको वेरिफिकेशन के लिए, आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों गूगल एडसीन एक पिन भेजता है जो दोस्तों आपको $10 पर अप्लाई करना होता है। $10 पर अप्लाई करने के बाद दोस्तों वो आपके पास जैसे ही आ जाता है आप उसे फिल कर देते हैं तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो दोस्तों आपको फिल करते ही आपका वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपके $100 कंप्लीट करने होते हैं अगर आपको यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट लेना है तो दोस्तों $100 अगर आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, जैसे कि आपके इस मंथ नहीं हुए तो इस मंथ में अगर आपके $10 हुए या $20 हुए या $30 हुए तो दोस्तों वो आपके अगले मंथ में उसके थ्रू जुड़ जाते हैं। जैसे कि मान लिया आज मेरे इस महीने में दोस्तों हुए यहाँ पर $50, अगले महीने में हमें हुए $20, तो मेरे $70 हो गए दोस्तों। जब हमारे $100 हो जाएंगे पूरे कंप्लीट तो दोस्तों हमारे चाहे कितने महीने में हो तो दोस्तों वो वहाँ पर YouTube हमें जैसे $100 हमारे इस मंथ कंप्लीट होते हैं तो अगले मंथ YouTube हमें पेमेंट भेज देता है। तो दोस्तों YouTube उसके बाद भी जैसे हमारे $100 हो जाते हैं, $100 से ऊपर हम यहाँ से YouTube से पेमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि जैसे आपके $100 कंप्लीट होते हैं तो 11 तारीख को दोस्तों तो आपके अगर यहाँ पर हुए दिसंबर में तो 11 जनवरी में दोस्तों आपके भी गूगल एडसीन खाते में जाएंगे और दोस्तों उसके 11 तारीख के बाद 21 या 22 तारीख में दोस्तों वो जाता है आपके बैंक अकाउंट में। अब दोस्तों उसमें आपका बैंक अकाउंट भी जुड़ता है। तो बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है? तो दोस्तों उसमें आपको शिफ्ट कोड की जरूरत होती है। अगर दोस्तों आपको अगर किसी देश से दोस्तों ट्रांजेक्शन करना है तो वहाँ पर आपको एक शिफ्ट कोड की जरूरत होती है जिस बैंक में आपका खाता होता है। अब दोस्तों वहाँ पर हर के बैंक का शिफ्ट कोड नहीं होता है, जो गाँव में होता है वहाँ पर बड़ा बैंक ब्रांच उनकी जो होती है उसका शिफ्ट कोड होता है, वो आपको डाल देना है और अपना अकाउंट फिल कर देना है तो आपका दोस्तों वहाँ पर अकाउंट फिल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको जैसे 21 तारीख होती है तो दोस्तों वहाँ पर आपको 21 या 22 तारीख में YouTube दोस्तों आपके खाते में आपके पैसे भेज देगा और आपको मेल भेज देगा कि आपका भाई हमने यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर दिया है। तो दोस्तों कुछ प्रोसेस होते हैं बैंक के, उसके बाद दोस्तों 5 से 6 दिन लग जाते हैं, 26-27 तारीख तक आपके अकाउंट में फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से आ जाता है $100 होने के बाद। तो दोस्तों ये प्रोसेस $100 पर होता है, $100 से नीचे अगर आपके है तो दोस्तों YouTube आपको पेमेंट नहीं भेजेगा। जब तक $100 नहीं होते दोस्तों YouTube आपको पेमेंट नहीं भेजता है, तो इसलिए दोस्तों $100 करने बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर जैसे दोस्तों आपके $100 हो जाते हैं तो YouTube उससे अगले मंथ ही आपका YouTube पेमेंट भेज देता है आपके खाते में। दोस्तों इस तरीके से YouTube फर्स्ट पेमेंट अपना देता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में।